हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल के मान। और आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, दैट विल बी ऑल रिलेटेड विद दी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। लेकिन प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 पे डायरेक्टली जाने के पहले, ठीक है, हम लोगों को पहले कुछ सिमिलैरिटीज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने 1.1 1.2 को क्लियर कर लिया है। आप मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहोगे और अच्छा खासा उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, वो आप लोग के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, दैट विल बी ऑल रिलेटेड विद द सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, डायरेक्टली सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट पर जाने के पहले हम लोग को पहले कुछ चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो चीज़ है, दैट विल बी ऑल रिलेटेड विद सिमिलर फिगर, ठीक है, सिमिलर फिगर्स। अब देखो, सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या हो जाता है? सिमिलर फिगर्स का मतलब हो जाता है कि अगर समझो कोई फिगर जो सिमिलर दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका साइज सिमिलर नहीं है, ओके, तो नॉर्मली हम लोग उसको सिमिलर फिगर बोल देते हैं, ओके। अच्छा, मान के चलो कि अगर एक फिगर जो है वो सिमिलर दिखता तो है, लेकिन उसका साइज भी कहीं ना कहीं मैच होता है, तो वो दोनों फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग मान के चलते हैं, अब देखो ये दो जो चीज़ है ये सिमिलर है, ठीक है, ये दो चीज सिमिलर है, ओके, बट सेम साइज का नहीं। अगर इनके साइज भी मैच होने लग गए, तो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। चलो ठीक है, अब आपको पूछूंगी कि सर सिमिलर फिगर तो है, लेकिन मतलब सिमिलर है तो सही, लेकिन इनके साइज सिमिलर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आप लोग को बताऊं कि भाई ये साइड जो है वो 8 है, ये साइड जो है वो 2 है, ठीक है, ये साइड 16 है, ये साइड 3 है, हाँ, और ये साइड अगर 24 है और ये साइड 4, तो देखो वो सिमिलैरिटीज नहीं है, इनके वैल्यूज बहुत अलग अलग है, है ना। तो अगर मैं इस साइड को रेशो में लिखूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। अच्छा, इस साइड को अगर मैं रेशो में लिखूँ 16/3, तो ये मैच ही नहीं हो रहा है, मतलब पहला वाला साइड में तुमको क्या मिल रहा है 4, लेकिन दूसरे वाले साइड में तुमको क्या मिल रहा है 16/3। अच्छा, अगर इनके साइज भी सिमिलर हो गए, इनका साइज सिमिलर का मतलब होने का मतलब क्या होता है कि बताता हूँ, देखो अगर ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ओके, ये 6/3, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये 8/4, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो इनके साइज अगर सिमिलर हो गए तो वो तुम्हारा बन जाता है सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर शेप्स टू बी परफेक्ट, अगर शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं, तो वो सिमिलर फिगर है। अगर शेप सेम है और साइज भी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल या दोनों फिगर विल बी कॉन्ग्रुएंट। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं थियोरी तो लिखवाऊंगा नहीं, बस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका 9th स्टैंडर्ड का, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो इसमें चलो ठीक है एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ मैं। इट मीन्स means similar figure are of same shape if shape and size are similar, then both figure आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है।
इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये एक शुरुआत है हमारे सिमिलैरिटीज की, ओके, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसके अंदर कुछ टेस्ट हम लोगों को समझने होंगे। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लोगों को कुछ टेस्ट समझना होगा। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको सिमिलर कब बोला जाएगा, ओके, इन दोनों को सिमिलर कब बोला जाएगा, ये हम लोगों को समझना है। मतलब पी क्यू आर, और अगर मैं इसको नाम देता हूँ एक्स वाई जेड, तो वेन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड विल बी कॉल्ड एस सिमिलर ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कब सिमिलर होगा, इस चीज को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए हम लोगों के पास कुछ टेस्ट है, जिसमें से सबसे पहला होगा ए ए ए टेस्ट। ठीक है, दूसरा है एस ए एस टेस्ट, हाँ, और तीसरा होगा एस 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 टेस्ट। ओके, अच्छा, अब ये ट्राइंगल को कब सिमिलर माना जाएगा, ये इस टेस्ट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये सिमिलर होने के लिए मैं आप लोग को एक प्रूफ क्लियर करवा के देता हूँ, और हम लोग का जो टारगेट रहेगा और जो आप लोग का टेक्स्ट बुक में भी है वो ये, इसको उन लोगों ने प्रूफ किया है, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे और समझने की कोशिश करना। देखो, मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग को दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट अपना निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, सिमिलर करने में और कॉन्ग्रुएंट करने के कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। तो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको सिमिलर करवाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए ए टेस्ट, ओके, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो इसको कैसे हम लोग को क्लियर करना है वो मैं बता देता हूँ। तो अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा विद ए ए ए टेस्ट, ए ए ए टेस्ट, ओके, इसको हम लोग को समझना है। तो इस चीज के लिए पहले मेरे को एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ। मान के चलो हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, पहले बेस बना लेते हैं, दोनों के पैरेलल्स बना लेते हैं पहले, तो हम लोगों को फिर क्लियर आ जाएगा। ये ऐसा, ये छोटा, ठीक है, एक ट्राइंगल बड़ा होगा, एक ट्राइंगल छोटा ले लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, इसको नेमिंग दे देते हैं हम लोग। एक ट्राइंगल का नाम लेंगे हम लोग ए बी सी, और दूसरे वाले का नाम लेंगे हम लोग एक्स वाई जेड, राइट। अच्छा चलो ठीक है, अब पॉइंट क्या है, अब देखो पॉइंट क्या है, किस तरीके से हम लोग ए ए टेस्ट को प्रूव करेंगे। पहले तो हम लोग को कुछ चीजों को पहले से ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो गिवन समझने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ये समझता हूँ, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स कॉमा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एंड
एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या क्या बताया है। ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, और ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट है। ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। अच्छा, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर, सिमिलर का साइन ये रहा, ठीक है, ओके, एक्स वाई जेड, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखो इस बेसिस पर लोग प्रूव नहीं कर सकते, सिमिलर होना और कॉन्ग्रुएंट होने में अंतर है, तो सिमिलर के लिए हम लोग को रेशियो बनाने पड़ेंगे और एंगल्स भी बनाना पड़ेगा उसका, तो एंगल्स हम लोग के ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, अब हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा साइड्स के रेशियोज, साइड के रेशियोज के लिए हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम लोग ये दो ट्राइंगल के बारे में लिख देते हैं कि इनके साइज क्या है, ओके, तो कंसिडर, कंसिडर दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ बिगर ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज अ स्मॉलर ट्राइंगल। चलो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ में टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट पी एट साइड ऑन द साइड ए पी एंड क्यू ऑन द साइड ए सी, ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, राइट, चलो ठीक है, इसको जोड़ दो, तो जोड़ दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब अगर जोड़ दिया हम लोगों ने तो वो क्या हो जाता है, सच दैट AP is equal to XY and AQ is equal to XZ, मतलब भैया ये वाला साइड इसको इक्वल हो गया और ये वाला साइड इसको इक्वल हो गया, मतलब समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं कौन सा साइड किसको इक्वल हो गया, भाई ये वाला साइड हो गया इक्वल इसको और ये वाला साइड जो है हो गया इक्वल इसको, ठीक है, बढ़िया, अच्छा चलो ठीक है, ये तो अपना कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है एकदम भरपूर, अब हम लोग अपने सम को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें यहां पर और, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एस ए डैश पी डैश बी एंड ए डैश क्यू डैश सी, अच्छा इधर इधर ये वाला यहां नहीं होगा, वाला यहां होगा, एस ए डैश पी डैश बी एंड ए डैश क्यू डैश सी रेस्पेक्टिवली, चलो ठीक है, अच्छा अब हम लोग प्रूफ पे आ जाते हैं, मतलब ये सिमिलर लाइन पे हो गया, ये एक सिंगल लाइन में हो गया, ओके, अब प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ, अच्छा अभी हम लोग को मेन क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है और हम लोग के पास एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को टारगेट करते हैं, ओके, तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, देखो हम लोगों को
AAA टेस्ट प्रूफ करना है, AAA टेस्ट से इस ट्राइंगल, इस दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर बार में सिर्फ यही टारगेट करेंगे कि भाई एंगल 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 ही आना चाहिए, ठीक है। आगे चल करके आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे AAA टेस्ट से वो प्रूफ होता है। ओके, तो फिलहाल साइड AP, ओके साइड AP ये कॉन्ग्रुएंट है साइड XY को, और ये है केवल ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। देखो ये यहाँ, ठीक है कंस्ट्रक्शन। अच्छा नेक्स्ट, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, ये है गिवन। साइड AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड XZ, ये भी है कंस्ट्रक्शन। हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। अच्छा इसका रीजन क्या है, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ओके। हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, अब हम लोग को SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अच्छा चलो, अगर ये तुम्हारा ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसके अंदर बहुत सारे चीजें कॉन्ग्रुएंट हो सकती है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ओके। देयरफॉर एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। अच्छा क्या रीजन से, CACT कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, चलो ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब देखो पॉइंट क्या है, PY को कॉन्ग्रुएंट है CACT से, बट एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, ये गिवन है कि नहीं। यहां पर देखो गिवन में आ गया, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y गिवन आ गया। अच्छा अब ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, है कि नहीं। अच्छा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके तो फिर ये लाइन तुम्हारे पैरेलल हो गए ओके। देयरफॉर लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC, क्या रीजन से, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ रहा है। अब ये लाइन तुम्हारा पैरेलल हो गया PQ और BC, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन से। अच्छा अगर ये पैरेलल हो गया तो हम लोग को मालूम है भाई PPT कैसे यूज करना है कि नहीं। चलो ठीक है यहाँ पर हम लोग PPT यूज कर लेंगे। कितने में PPT यूज करना है हम लोग को, अब अगर ये तुम्हारा हो गया पैरेलल तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, AP अपॉन PP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, है कि नहीं, बाय BPT, राइट। चलो ठीक है ये भी तुम्हारा क्लियर है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इन्वर्ट एंडो करता हूँ इसको, इन्वर्ट एंडो। तो इन्वर्ट एंडो से क्या होता है, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, देयरफॉर PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन
ए क्यू है ना। अच्छा अब मैं अगर इसको कॉम्पोनेंटो करता हूं, बाय कॉम्पोनेंटो, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी प्लस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू है ना। अब देखो पी बी प्लस ए पी तो ये ए बी हो गया है कि नहीं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी तो ये दोनों पूरे कुल मिला करके ए बी हो जाएगा। ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ऐसे ही क्यू सी प्लस क्यू ए मतलब ए क्यू प्लस क्यू सी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए क्यू है ना, ए सी अपॉन ए क्यू जो हम लोग ले रहे हैं। ओके अब पॉइंट क्या है, ये कैसे कैसे इक्वल हो गए, सिंस ए डैश पी डैश बी एंड ए डैश क्यू डैश सी है ना, यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किया था, देखो अपने को काम में आ गया राइट। चलो ठीक है हाँ, अब ये अपना हो गया, अब नेक्स्ट विल बी अब देखो पॉइंट क्या है, अपने को पता है कि ए पी इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो हम लोग यहाँ पर ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, ए पी को एक्स वाई ले लेंगे। ओके ये रहा विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू जो है इसको हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स जेड ले लेंगे ठीक है। अब ये कैसे मिला, सिंस ए पी इज इक्वल टू एक्स वाई, या तो मैं सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन लिख दूं, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है। चलो ठीक है अब देखो हमारा रेशियोज इक्वल हो गया, मतलब ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स जेड हो गया। अच्छा सिमिलरली अब देखो इतना सब कुछ करके हम लोग ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये ले लिए, इसी तरीके से क्या हम लोग ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड नहीं प्रूव कर सकते हैं, आराम से प्रूव कर सकते हैं है कि नहीं। ओके चलो ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो शो ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड है कि नहीं। अच्छा अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन ले लूं और अगर इक्वेशन नंबर इसको टू ले लूं तो दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी अपॉन एक्स वाई ठीक है इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स जेड फ्रॉम वन एंड टू, ये समझ में आ गया। और ऑलरेडी हमारे पास ये सब कुछ दिया हुआ है एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एक्स, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड, तो ये सब के वजह से क्या हो जाएगा, जब सब कुछ इक्वल हो गया तो हो गया सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, समझ में आ गया। तो यही चीज अपने को इसमें समझना था और कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जास्ती टेंशन वाला कॉन्सेप्ट है ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ओके दैट विल बी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज की बात करूं ठीक है, तो एक टेस्ट तो हम लोगों ने देख लिया ए टेस्ट, अब हम लोग बात करते हैं इधर पे सेकंड वाले की, दैट इज एस ए एस टेस्ट ठीक है,
एस टेस्ट में क्या हो जाएगा, एस ए एस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पर दो ट्राइंगल कंसिडर कर लो, ये दो ट्राइंगल हम लोगों ने अगर कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसको नाम दे देते हम लोग पी क्यू आर और डी ई एफ, ठीक है। तो एस ए एस टेस्ट कैसे होता है, एस ए एस टेस्ट कैसे होगा, पहले एस है तो यहां पर पहला क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन डी ई, ओके। अच्छा ये भी एक एस है तो पी आर अपॉन डी एफ, या तो फिर क्यू आर, क्यू आर अपॉन ई एफ एंड एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। तो एस ये रहा, ए बाद में ये रहा, और फिर एस ये रहा, समझ आ गया। तो तुम लोगों का साइड एंगल साइड इस तरीके से ही जाना है, समझ में आ गया। आप लोग इस तरीके से नहीं जा सकते, पी आर अपॉन ये नहीं ले सकते। अगर पी क्यू अपॉन डी ई ले रहे हो और अगर तुम लोग को पी आर अपॉन डी एफ लेना है तो तुम लोग को ये एंगल फिर इक्वल यहां पर कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा अब एक लास्ट बच गया, वो है एस एस टेस्ट, एस 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 टेस्ट, एस 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 टेस्ट। अच्छा अब एस 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 टेस्ट में क्या होगा, एस 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 टेस्ट में क्या होगा, हम लोग यही ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन डी ई, क्यू आर अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी आर अपॉन डी एफ, सारे के सारे साइड 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 टेस्ट, समझ में आ गया। अगर ये चीज सिमिलर होता है, ये चीज तुम्हारा इक्वल होता है, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये क्लियर हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब ये तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके अंदर तुम लोगों को एक और टेस्ट होगा, वो होगा ए ए ए, सिर्फ ए ए टेस्ट, ठीक है, तो डबल ए टेस्ट, बट वो बहुत रेयरली हम लोग यूज करेंगे, जहां पर हम लोग को ये तीनों टेस्ट से भी नहीं मिल पाएगा कुछ, तो हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये टेस्ट तुम्हारे क्लियर हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके बता दीजिएगा, मैं वापस या तो फिर एक और बार वीडियो देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको तो हम लोगों ने प्रॉपरली प्रूव किया, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में वैसे भी इसका सिर्फ प्रूफ दिया हुआ था, इसके नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने भी सोचा कि चलो वो प्रूफ में नहीं आते हैं, हम लोग सिर्फ इसको नॉर्मली एक्सप्लेन कर देंगे। तो एस ए एस टेस्ट में एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोग ये साइड को कंसिडर कर रहे हो और ये साइड को कंसिडर किए फाइन, अच्छा अगर तुम लोग ये साइड को कंसिडर करोगे तो ये एंगल को ही आपको लेना है। अगर आपने पी क्यू अपन डी और क्यू आर अपन ई एफ लिया और फिर एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ लिया, तो वो आप रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एस ए एस टेस्ट है, साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड ही जाना है, समझ में आ गया, साइड एंगल साइड ही जाना। तो ये साइड अगर ये साइड पे है, ठीक है, तो ये वाला एंगल के साथ ही जाना है, ये वाला एंगल ये वाला, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला साइड ही कंसिडर करना होगा, कोई और नहीं कंसिडर कर सकते आप लोग, ठीक है। और साइड 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 टेस्ट तो बहुत सिंपल है, सारे के सारे साइड्स रेशियोज में होंगे, तो अगर रेशियोज में है तो फिर वो सिमिलर हो गए, ठीक है। अच्छा एक और चीज हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जाते जाते, दैट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो इसमें हम लोग को कोई चीज प्रूव नहीं करना है, ठीक है, हम लोग को कोई चीज प्रूव नहीं करना है, बस हम लोग को इसके प्रॉपर्टी समझ के लेने हैं कि भाई
टर्म्स क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे दैट विल बी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके अच्छा, अभी देखो ये रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है हर ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर है। ओके हर ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर है। ओके मतलब यहाँ पर एग्जांपल में क्या लेंगे, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। Therefore, अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूं ए बी सी, इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट विल बी सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री का मतलब क्या हो जाता है, अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर है तो अपने आप दूसरा वाला पहले वाले ट्राइंगल से सिमिलर हो जाएगा। मतलब अगर ये इससे सिमिलर है तो इसका मतलब ये भी है कि ये भी इससे सिमिलर है। समझ में आ गया मतलब क्या है, डायरेक्टली एग्जांपल लिख देता हूं मैं। ठीक है एग्जांपल, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सिर्फ टर्म्स आप लोगों को समझ के लेने हैं कि भाई ऐसे सारे चीजों को सिमेट्री बोला जाता है, दैट्स इट, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। द लास्ट वन इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है, एग्जाम्पल अगर ये ट्राइंगल इससे सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल इससे सिमिलर है, तो थर्ड वाला इससे सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड को सिमिलर है, सेकंड थर्ड को सिमिलर है, ये पता लगे कि थर्ड का ट्राइंगल नहीं है यहाँ। कंसिडर करो फर्स्ट सेकंड को सिमिलर है, सेकंड थर्ड को सिमिलर है, तो अपने आप फर्स्ट थर्ड को सिमिलर हो जाएगा। ओके तो डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ उसका। एग्जाम्पल, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर is similar to triangle XYZ, then triangle ABC similar to triangle XYZ। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग टेक्स्ट बुक में भी गो थ्रू कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है, बाकी सारे चीज़ आप लोगों के सामने परफेक्ट है। ओके इसको पहले आप लोगों को समझ लेना है और फिर इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखना है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के कॉन्सेप्ट के साथ में, दैट इज 1.3।